हिमाचल में खनन माफिया पर कड़ी निगरानी रखने को पहले चरण में खनन विभाग ने आधा दर्जन चेक पोस्ट बना ली है। ऊना जिले की सीमा पर 5 चेक पोस्ट बनाई गई है। इनमें होमगार्डों की तैनाती की जाएगी। खनन की आड़ में खनिज की चोरी और टैक्स चोरी रोकने के लिए एक एक बैंक ब्रिज भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। ये चेक पोस्ट अब शीघ्र ही काम करना शुरू कर देंगे। उल्लेखनीय है कि खनिज की चोरी से सरकार के खजाने को हर साल करोड़ों की चपत लग रही है। अभी तक प्रदेश में खनिज की चोरी रोकने के लिए प्रदेश की सीमा में कोई चेक पोस्ट नहीं थी। ऊना, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों से सबसे ज्यादा खनिज चोरी होता है। इन जिलों में खनन माफिया भी काफी सक्रिय है। इन जिलों के साथ दूसरे राज्यों की सीमाएं भी लगती हैं। माइनिंग अधिकारी की माने तो ऊना जिले में चेक पोस्ट तैयार कर दी गई है। इनमें खनन विभाग के कर्मचारी और होमगार्ड तैनात रहेंगे। इन चेक पोस्टों में सीसीटीवी कैमरे और वेइंग ब्रिज भी है। अधिकारी की माने तो ये चेक पोस्ट ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसने में ये काफी मददगार साबित होंगी। सर, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में सरकार के आदेश अनुसार 5 जगह लग रहे हैं अभी। कंडे बाथड़ी में है, पोड़िया में है, पंडोगा, महतपुर और गगरेट में है। सरकार इस अवैध खनन और ओवरलोडिंग की तरफ बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, सरकार अवेयर है ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। वैसे तो ऊना में लीजें 91 हो गई हैं अभी और सारा लीगली चल रहा है, लेकिन ओवरलोडिंग की ज्यादा प्रॉब्लम है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो ये धर्मकांडे और माइनिंग चेक पोस्ट बनाने का जो है आदेश दिए थे। इसके अंतर्गत हमारी 4 चेक पोस्ट तो लगभग तैयार ही हैं, महतपुर में और गगरेट में हम जो है चेक पोस्ट लगा रहे हैं, और धर्मकंडा जो है बेवरेज जो है वो आरटीओ साहब का ऑलरेडी परिवहन विभाग का लगा हुआ है, वो ही यूज हो जाएगा सर। वो हमारे ऑफिस वगैरह हमारा वो सेटअप हो गया है। बट बाथड़ी और पोड़िया में जो है वहां धर्मकंडा भी चलने की मतलब स्थिति में है, बिल्कुल कंप्लीट है, और पोड़िया में भी कंप्लीट है। अच्छा सर, ये जो क्या ये जो धर्म कांटे हैं जो जहाँ प्लांट है, प्लांट पर भी लगाए जाएंगे? सर, प्लांट पर तो क्रशर वालों को ही आदेश गवर्नमेंट दे रही थी सीसीटीवी कैमरे का भी, लेकिन जो हम लगा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो बैरियर्स में लगा रहे हैं। सर, वो हमारे जो कंडे लगे हैं ना बैरियर पे, उस पर हम वेट करेंगे। उसका जितना भी उसका एम फार्म से वेरिएशन होगी उसके हिसाब से उसे फाइन लिया जाएगा। बगैर स्टाफ भी तैनात किया जाएगा सर? बगैर स्टाफ की भी सरकार से बात चल रही है, और फिलहाल तो हम ऊना का स्टाफ ही यूज कर रहे हैं जो हमारे गार्ड्स हैं या एएमआई है हमारे, लेकिन 15-20 दिन में उम्मीद है कि सरकार, अभी मेरी बात हुई थी शिमला में भी, तो 15-20 दिन में हमें स्टाफ मिला। क्या मानते हैं सर, इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों में जो ओवरलोडिंग जो है, रोड डैमेज हो रहे हैं, उनको तो कम से कम फर्क पड़ गया, और जो है जो जितनी कैपेसिटी होगी व्हीकल की उतना ही डालें तो इसमें कोई रोड को भी डैमेज नहीं होगा।